subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे इस इनक्रेडिबल सुमन के चैनल पे। और आज मैं बात करने वाला हूँ टीवीएस राइडर के इंटेलिगो फीचर्स के बारे पे, जो टीवीएस कंपनी ने इस बाइक पे एक ऑटो ऑन ऑफ का जो फीचर्स दिया है उसके बारे में आज मैं बात करूँगा। और मैं आपको साथ में ये भी बताऊँगा कि इसका जो इको और पावर मोड है उसको गाड़ी चलाते वक्त आप चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर इंजन किल स्विच नहीं दिया गया है, एक इको मोड और पावर मोड दिया गया है, तो उसका हम चलाते वक्त गाड़ी पे चेंज कर सकते हैं कि नहीं, वो काम करेगा कि नहीं, उसको मैं आपको लाइव प्रीव्यू दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अभी इको मोड में गाड़ी को चला रहा हूं, और यहां पर जैसे कि देख सकते हैं दो नंबर तीन नंबर गियर दिखा भी रहा है, और यहां पर गियर को चेंज करने के लिए भी ऑप्शन आता है कि आपको चार नंबर गियर पे जाना है, पांच नंबर, एक एरो साइड में दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि अभी ये इको मोड में चल रहा है और मैं अभी इसको पावर मोड में चेंज करने वाला हूँ। तो जैसे ही मैं इसको पावर मोड में क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये ब्लिंक होना चालू हो गया, और यहाँ पर दिखा रहा है कि पावर मोड में आप देख सकते हैं गियर कम करने बोल रहा है, क्योंकि ज़्यादा रेस में आप उसको खींचना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि पावर मोड में कुछ सेकंड में ये चेंज हो चुका है। उसके बाद मैं फिर से इसको एक बार इको मोड में चेंज करने का कोशिश करता हूँ, तो देख सकते हैं फिर ब्लिंक होगा और थोड़ा देर में ये ऑटोमेटिक इको मोड में चला जाएगा। तो इससे ये क्लियर हो गया कि आप गाड़ी चलाते वक्त इस मोड का यूज़ कर सकते हैं। अब जो इंटेलिगो फीचर्स के बारे पे है, वो आपका पावर मोड में काम नहीं करेगा, वो केवल इको मोड में ही काम करेगा। आप देख सकते हैं एक ए बन के आ गया, और मैं जैसे ही गाड़ी को साइड में कहीं लगाता हूँ, किसी सिग्नल पर आ गया, या तो आप भीड़ भड़ाके में चला रहे हैं, गाड़ी आपको रुकना पड़ा कुछ देर तक रुका, तो आप ये देख रहे हैं जो ये ए लिखा हुआ ऑटोमेटिक लिखा हुआ, ये 5 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिक गाड़ी बंद हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, और इसको स्टार्ट करने के लिए आपको कोई अलग से स्टार्ट बटन नहीं जाना, बस एक्सीलेटर को जो है वो हल्का सा घुमाना और आपका गाड़ी ये स्टार्ट हो जाएगा। आपको एक सुझाव है कि इस इको मोड को आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाका पे यूज़ ना करें, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी 10 सेकंड के ऊपर खड़ी रहती है तो ये ऑटोमेटिक आपका गाड़ी बंद कर देंगे, फिर आपको स्टार्ट करा के आगे जाना पड़ेगा, फिर 10 सेकंड के बाद फिर ये बंद हो जाएगा। तो बेटर है कि भीड़ भाड़ इलाका में आप पावर मोड ले लें। लेकिन इस गाड़ी पर एक फीचर्स ये भी आ जाता है कि आपकी गाड़ी अगर 10 सेकंड के बाद थोड़ी थोड़ी दूर जाके 10 सेकंड के बाद आपकी गाड़ी बंद हो जाती है, तो उसके बाद ये बंद नहीं होगी, कुछ लंबा समय तक वो चालू रहेगा। तो ये ऑटोमेटिक ये फीचर्स काम कर सकता है। ये आपको आपके वो चलाने के ऊपर निर्भर करता है कि आपको इको मोड में रखना है उस समय कि पावर मोड में रखना है। लेकिन ज़्यादातर अच्छा रहेगा कि अगर आप हाईवे वगैरह में चला रहे हैं, गाड़ी 80-90 के ऊपर चला रहे हैं, 90 के आसपास जा रहे हैं, तो वो आप पावर मोड ले सकते हैं। इको मोड में जो गाड़ी है वो लगभग 90 टच कर सकती है, बहुत मुश्किल से, लेकिन पावर मोड में ये 100 क्रॉस कर जाती है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो से जानकारी मिल गया होगा कि गाड़ी का फीचर्स किस तरह से काम करता है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।